हेलो इंटेलिजेंस वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स बेटा आज की हम वीडियो में टेंथ क्लास चैप्टर सर्कल एन सी आर टी एग्जाम्पलर में से सोल्व करने वाले हैं टुडे वी आर गोइंग टू डू इट्स एक्सरसाइज नाइन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन एंड नाइन पॉइंट टू वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस लेक्चर तो शुरू करने से पहले कि हम बेटा एन सी आर टी सोल्यूशंस कम्प्लीट कर चुके हैं इस चैनल पर प्लस एन सी आर टी एग्जाम्पलर के जितने भी आपके चैप्टर्स हो चुके हैं प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ऑल दिस विल भी प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन तो प्लीज डू विजिट इन द डिस्क्रिप्शन और व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सको और डिस्कस कर सको नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आउट ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स वी आर प्रोवाइड विद टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द रेडियस ऑफ द आउटर यानी कि बिगर सर्कल इज फाइव सेंटीमीटर एंड द कोड ए सी ऑफ लेंथ एट सेंटीमीटर इज टेंट टू द इनर सर्कल देखना तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम क्या प्रोवाइडेड है कि वी हैव टू कंसेंट्रिक सर्कल्स लेट इट बी सिंगल लेट इट बी अदर वन ठीक है वो कह रहा है कि जो आउटर सर्कल है इट्स रेडियस इज़ फाइव सेंटीमीटर लेट इट बी फाइव सेंटीमीटर है ना तो वो कह रहा है जो बड़े सर्कल की कोड है विच टेंजेंट टू दी छोटा सर्कल ठीक है उसकी टोटल जो लेंथ है वो टोटल लेंथ कितनी है बेटा एट सेंटीमीटर है ना तो हमें क्या फाइंड करना है वी आर टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दिस मच ठीक है ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है गेटिंग माई पॉइंट ना तो इफ़ दिस पॉइंट इज ओ दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी यानी दिस ए बी इज कम्प्लीट एट सेंटीमीटर ना अब नाइन्थ क्लास में आपने थ्योरम्स पढ़ी है कि ये जो कोड है बड़े सर्कल की विच इज़ टेंजन टू द छोटा सर्कल तो ये कोड क्या करती है बाइसेकट होती है बेसिकली फोर और फोर दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेकट हो जाएगी अगर हम इस पॉइंट को नाम एम दे ठीक है यानी ए एम विल बी फोर एंड एम बी विल बी फोर ठीक है अब देखना रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के प्रपेंडिकुलर होते हैं थ्योरम टेन पॉइंट वन अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाएगा और यही तो अपना क्वेश्चन है परपेंडिकुलर तो रेडियस है गेटिंग माई पॉइंट कैसे लिखना है ठीक है चलिए अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ओ एम ए ठीक है ओ एम इज पर पेंडिकुलर टू ए एम ठीक है ये थी आपकी थ्योरम टेन पॉइंट वन एग्जाम में पूरी थ्योरम लिख के आनी है ठीक है तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा बेटा ओ इज द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू ए एम प्लस एम ओ गेटिंग माई पॉइंट अच्छा ओ ए क्या बेटा फाइव स्क्वेयर इक्व टू ए एम यानी कि फोर स्क्र एंड एम ओ यानी कि रेडियस विच वी हैव टू फाइंड आउट ओके तो बस आगे तो कैलकुलेशन है प्लस आर स्क्वेयर ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन इज आर स्क्र यानी कि नाइन इक्व टू आर स्क्वेयर ठीक है अब नाइन किसका स्क्यर होता है थ्री का ना तो रेडियस कम्स आउट टू बी थ्री सेंटीमीटर एंड योर क्वेश्चन इज कम्प्लीटेड ओके चलिए गोइंग टू द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड से इज कि टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर वी हैव टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ सबसे पहले तो इतनी डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डायग्राम इज वी हैव अ सर्कल ओके फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वी हैव ड्रॉन टू टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ठीक है ये दो टेंजेंट्स हैं अच्छा अच्छा सर्कल का सेंटर इज गिवन टू बी ओ ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्या है बेटा अच्छा टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर पी क्यू एंड पी आर तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया एक्सटर्नल पॉइंट पी है इट इज़ पी क्यू फर्स्ट टेंजेंट एंड पी आर इज़ द सेकेंड टेंजेंट गेटिंग माई पॉइंट ओके वी हैव टू प्रूव दैट व्हाट वी हैव टू प्रूव कि क्यू ओ आर पी इज साइक्लिक क्वाडिलेटर मतलब कि ये जो क्यू ओ आर पी यानी कि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा फिर ज्वाइन दिस टू ठीक है क्यू ओ आर पी इसको साइकिलिक कोर्डिलेटर प्रूव करना है बेटा इफ़ यू रिमेंबर नाइन्थ क्लास कि वहाँ साइकिलिक कोर्डिलेटर की डेफिनेशन क्या थी कि जिनके ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करके वन एटी डिग्री बन रहे ठीक है तो इसमें तो एक तो ये थ्योरम अप्लाई हो जाएगी टेन पॉइंट वन कि रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ठीक है सिमिलरली रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर ठीक है ओ क्यू एंड ओ आर आर रेडिय ये दोनों रेडियस है पी क्यू एंड पी आर आर ये दोनों टेंजेंट्स हैं तो थ्योरम काम कर जाएगी अपनी देअर फोर ओ क्यू इज पर पेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ आर इज ऑल्सो पर पेंडिकुलर टू पी आर बाय बाय थ्यूरम टेन पॉइंट वन ठीक है अगेन बार बार बोल रहा हूँ एग्जाम में कंप्लीट थ्योरम लिख के आनी है ओके अच्छा अब देखना क्योंकि अब ये क्वाड्रिलेटरल है क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री मिलता है अपने को पता है तो एंगल ओ प्लस क्यू प्लस पी प्लस आर ठीक है जी एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर ये 360 डिग्री बनेगा है ना अब देखना हमारे पास एंगल पी और एंगल ओ नहीं है ठीक है पी और एंगल ओ नहीं है लेकिन ये दोनों तो नाइनटी नाइनटी है क्यू एंड आर तो एंगल पी अपने पास नहीं है एंगल क्यू इज़ नाइन्टी डिग्री एंगल ओ भी नहीं है एंगल आर इज़ नाइन्टी डिग्री थ्री सिक्सटी डिग्री ऐसा सेम क्वेश्चन आपने एन सी आर टी की बुक में भी सोल्व किया हुआ तो ये कुछ इसी तरह से बन जाएगा तो एंगल पी और एंगल ओ क्या आ गया थ्री सिक्सटी डिग्री माइनस वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री ओके तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू क्या आ गया वन एटी डिग्री ये बन गए सप्लीमेंट्री एंगल ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री हो गई देर फॉर इट इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन फिनिश्ड नाउ मूविंग टूवर्ड्स दर्ड क्वेश्चन यस थर्ड से इज कि इफ फ्राम एन एक्सटर्नल पॉइंट बी वी हैव एन एक्सटर्नल पॉइंट बी ऑफ आ सर्कल विद सेंटर ओ एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स बी सी एंड बी डी आर ड्रॉन दो टेंजन ड्रॉ किया गया बी सी एंड बी डी चलिए पहले इतनी सी डाइग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है वी हैव अ सर्कल हुटर इज ओ ठीक है एक्सटर्नल पॉइंट इज बी तो बी टू सी एक आ गया अपना एंड बी टू डी सेकेंड आ गया टेंजेंट ठीक है दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए थे डाइग्राम बना ली सच दैट सच दैट क्या सच दैट डी बी सी इज वन ट्वेंटी डिग्री एंगल डी बी सी एंगल डी बी सी हाँ ये रहा एंगल दिस कम्स आउट टू बी वन ट्वेंटी डिग्री इस अकॉर्डिंग टेंजेंट ड्रॉ किया गया उसके बाद क्या करना है बेटा प्रूव दैट वट वी हैव टू प्रूव वी आर टू प्रूव दैट बी सी प्लस बी डी इज़ बी ओ या बी ओ इज़ टवाइस ऑफ बी सी अब देखना बी सी प्लस बी डी इज़ बी ओ अब देखो बी सी प्लस बी डी किसके इक्वल हो जाएगा ये बी ओ के बराबर हो जाएगा यानी कि दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो इस अकेले बी ओ के इक्वल है ठीक है अब क्योंकि हमें पता है कि ये टेंजेंट्स आपस में सेम होते हैं तो बी सी प्लस बी डी यानी कि बी सी प्लस बी सी ट्वाइस ऑफ बी सी हो गया ना वो बी ओ के इक्वल है इनडायरेक्टली हमने ये प्रूव करना है ठीक है तो यहाँ पे थ्योरम टेन पॉइंट वन वर्क कर जाएगी ठीक है चाहो तो इसको ज्वाइन कर लो बड़ा ज़रूरत नहीं है टेन पॉइंट वन वर्क कर जाएगी सिर्फ़ इसी छोटी सी ट्रैंगल में अगर मैं ये राइट एंगल ट्रैंगल ड्रॉ करने की कोशिश करूँ ये रही ठीक है ध्यान देना वेट 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 वेट, वेट, वेट हाँ यहाँ पे हाँ ये ठीक है ना थोड़ा ठीक है अब देखना अगर मैं इस ट्रैंगल को ड्रॉ करूँ सी पे नाइन्टी डिग्री है ये रहा ठीक है उसके बाद क्या है ये बी है ये रहा एंगल बी और ये रहा एंगल ओ अब देखना बेटा आपने लास्ट क्वेश्चंस में भी प्रूफ किया लास्ट एक्सरसाइज में प्रूफ किया हुआ है कि बेसिकली ये जो बी ओ होता है ना ये एंगल ओ को भी बाइसेकट करता है और एंगल बी को भी बाई करता है बाइसेकट करने का मतलब टू इक्वल हाफ्स तो वन ट्वेंटी का क्या रह जाएगा अपने पास सिक्सटी डिग्री ओनली गेटिंग माई पॉइंट ना वन ट्वेंटी का क्या रह जाएगा ओनली सिक्सटी डिग्री तो अब देखना हमें क्या रिलेशन करना है Uh, हमें रिलेशन करना है बी ओ और बी सी के बीच में यानी कि हाई एंड बेस ठीक है तो बेस अपॉन हाई क्या आता है बेस इज़ बी सी एंड हाई इज ओ बी ये किस किसकेक्वल है कोस के इक्वल ना एंड कोस वी हैव सिक्सटी डिग्री ठीक है बी सी वी डोंट नो बी ओ वी डोंट नो कोस सिक्सटी वी नो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या आ जाएगा बी ओ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी सी ना समझ गए ये जो बी ओ हो गया ये बी सी का डबल हो गया है? तो यही तो अपने को प्रूव करना था आप चाहो तो इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो ट्वाइस ऑफ बी को मैं लिख सकता हूं बी सी प्लस बी सी अब ये देखो बी सी और बी डी दोनों सेम हम होंगे हमें पता थ्योरम टेन पॉइंट टू तो एक बी सी की जगह मैं बी डी रिप्लेस कर दूंगा अपनी थ्योरम टेन पॉइंट टू की जगह तो यही तो अपने को फाइनली प्रूफ करना था ठीक है इजी है आसान है नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर प्रूव दैट वट वी आर टू प्रूव कि सेंटर ऑफ अ सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स लाइज ऑन द एंगल बाई सेक्टर ऑफ द लाइन्स अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या वो कह रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल क्वेश्चन नंबर फोर इज हेयर वी हैव अ सर्कल ये अपना कोई सर्कल ड्रॉ कर लो ठीक है ये कोई भी दो इंटरसेकटिंग लाइन्स हैं बेटा ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं ये नहीं ये दो इंटरसेकटिंग लाइन्स है वो कह रहा है जो इस सर्कल का सेंटर है ना इन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो एंगल बाई है उसके ऊपर लाई कर ली ठीक है हेयर एंड हेयर ओ लेट इट बी पी लेट इट बी क्यू लेट इट बी ए ठीक है वो कह रहा है कि बेसिकली ये जो अपना पॉइंट ओ है जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो इनके एंगल बाई सेक्टर पर लाई करता है और ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी अभी थ्योरम यूज़ किया है इनडायरेक्टली वे से उसको घुमा के डाल दी ठीक है अब कैसे प्रूव करना है एंगल बाई सेक्टर इसके लिए बेटा एक तो थ्यूरम टेन पॉइंट वन यूज़ होगी ठीक है दूसरा हमारा नाइन्थ क्लास का कॉन्ग्रेंसी मटेरियल यूज़ होगा कैसे टेक टू ट्रेंगल्स ओ क्यू ए एंड ओ पी ए देखना मैं यहाँ पे ट्रेंगल्स बना रहा हूँ ओ ओ क्यू ए एंड अदर वन इज़ ओ पी एंड ए गेटिंग माई पॉइंट पी इज़ नाइनटी क्यू इज़ नाइनटी ओके अच्छा अब ध्यान देना बेटा इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है कैसे ओ ए एंड ओ ए कॉमन है ठीक है एंगल पी एंड एंगल क्यू ईच नाइन्टी डिग्री है उसके बाद बेटा उसके बाद बेटा हाँ ये कर लो क्यू ए एंड पी ए ये क्या है इसको भी छोड़ो ऐसे कर लो ओ क्यू एंड ओ पी ये दोनों क्या है रेडियस ऑफ दी सर्कल ही तो हैं ये दोनों रेडियस ऑफ दी सर्कल ही तो है तो भाई आर एच एस कॉन्ग्रेंसी ये दोनों ट्रेंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई गेटिंग माई पॉइंट तो क्या लिखेंगे इन ट्रैंगल ओ क्यू ए एंड ट्रंगल ओ पी ए है ना तो ओ क्यू इक्व टू ओ पी रेडियई ऑफ दी सर्कल एंगल क्यू इक्वस टू एंगल बी ईच नाइंटी डिग्री एंड देन ओ एक्वस टू ओ ए विच इज़ कॉमन इन बोथ ठीक है तो देयरफॉर देर फोर ट्रैंगल ओ क्यू ए एंड ट्रैंगल ओ पी ए हो जाएंगी कॉन्ग्रेंट बाय आर एच एस सिमिलैरिटी अब इसका फ़ायदा क्या बेटा अब जब दो ट्रैंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉरस्पोंडिंग साइड इक्वल होती हैं यानी कि ये राइट right वाला एंगल और ये राइट right वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे गेटिंग माई पॉइंट अब ये ए और ए देखो ओ ओ ए क्यू ध्यान देना ओ ए क्यू यानी कि ये वाला एंगल फिर पी ए ओ फिर पी ए ओ ये डबल दूसरा एंगल ये दोनों आपस में सेम हो गए ये दोनों आपस में सेम हो गए देर फोर एंगल लेट इट बी वन लेट इट बी टू वन इक्वस टू एंगल टू बाई सी पी सी टी कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल आर इक्वल इसका फ़ायदा क्या हुआ अब ये दोनों ये तो पूरा एंगल था ना तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए यानी एंगल बाई सेक्टर ना बन गया ये और इसी लाइन के ऊपर तो ओ है क्वेश्चन खत्म क्वेश्चन खत्म बाबू भैया क्वेश्चन ख़त्म ठीक है देअर फोर ओ लाइज ओ लाइज एंगल बाई सेक्टर ओ लाइज एंगल बाई सेक्टर ऑफ लाइन्स ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आपकी इंग्लिश में लाइन लिखी हुई थी उसको एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट मार देना ठीक है नाउ मूविंग टवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन फाइव से इसकी द फिगर इज गिवन नाइन पॉइंट वन थ्री ए बी एंड सी डी ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट्स टू टू सर्कल्स ऑफ अनईक्वल रेडियस दोनों का रेडियस अनईक्वल है ठीक है जी ये दोनों कॉमन टेंजेंट है मतलब ए बी बड़े सर्कल में भी टेंजेंट है और ए बी छोटे सर्कल में भी टेंजेंट है सी डी बड़े में भी टेंजेंट है सी डी छोटे में भी टेंजेंट है हमें इस ए बी सी डी को इक्वल प्रूव करना है दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम करनी है बड़ा ईजी क्वेश्चन है बेटा अगर आप इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे अगर हम आगे इसको एक्सटेंड कर देंगे लेट दे मीट एट पॉइंट पी ठीक है अब छोटे सर्कल को भूल जाओ ए पी एंड सी पी ये दोनों टेंजेंट टेनजेंडा बड़े सर्कल पे इक्वल हो जाएंगे थ्योरम टेन पॉइंट टू ठीक है ए पी और सी पी आपस में इक्वल हो जाएंगे सिमिलरली अब बड़े सर्कल को भूल जाओ छोटे सर्कल में क्या है बी पी और डी पी ये भी दोनों टेंजेंट है आपस में इक्वल हो जाएंगे थ्योरम टेन पॉइंट टू तो ए पी इक्वल टू सी पी ठीक है तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या आ जाएगा फोर बिगर सर्कल बिगर सर्कल पे क्या हो जाएगा हाँ बिगर सर्कल पे हो जाएगा ए पी इक्वल टू सी पी बाय थ्योरम टेन पॉइंट टू इक्वेशन नंबर वन बेटा बार बार कह रहा हूँ थ्योरम्स लिख के आनी है वहाँ पे टेन पॉइंट वन टेन पॉइंट टू नहीं मेंशन कर देना सिमिलरली छोटे सर्कल की बात करें तो बी पी और डी पी आपस में सेम हो जाएंगे फोर स्मॉलर सर्कल बी पी और डी पी आपस में सेम हो जाएंगे थ्योरम टेन पॉइंट टू समझ गए अब देखना ध्यान से बेटा क्योंकि ये आपस में सेम है वेट 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 ये देखो क्योंकि ये चीज़ें आपस में सेम है है ना हमें क्या चाहिए हमें सिर्फ ए टू बी और सी टू डी ये दो चीज़ें चाहिए वी रिक्वायर ओनली ए टू बी एंड सी टू डी हमें सिर्फ ये दो चीज़ें ही चाहिए ठीक है तो अब देखना ए पी माइनस बी पी मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ ये देखो मेरे पास पूरा ए पी है लेकिन आई रिक्वायर ओनली ए बी ना तो पूरे ए पी में से अगर इतना बी पी माइनस कर दूंगा तो ये ए बी पोर्शन ही तो बचेगा बार बार यही यूज़ करते हैं हम ठीक है तो इनको भी माइनस कर दिया और राइट साइड में सी पी माइनस डी पी इनको माइनस कर दिया तो यहाँ पर ए बी बच गया और यहाँ पर सी डी बच गया और यही तो अपने को प्रूव करना था क्वेश्चन फिनिश ठीक है गेटिंग माई पॉइंट नाउ मूविंग टूवॉर्ड्स द क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ क्वेश्चन सिक्स से इन क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव की बात हो रही है इफ़ रेडियस बिकम इक्वल यहाँ पे रेडियस अन एकवल था ना उसने कहा दोनों सर्कल सेम कर दिए जाएं फिर भी ये टेंजेंट आपस में सेम होंगे ए बी और सी डी यानी कि अकॉर्डिंग टू दी अकॉर्डिंग टू दी अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन द डायग्राम कुछ ऐसी बन जाएगी कहता अगर दोनों सर्कल हमने सेम रेडियस के ही ले लिए ऐसे करके तब ये जो ए बी और सी डी है तब भी इक्वल हो जाएंगे ए बी सी और डी ठीक है इसका सेंटर लेटेड बी ओ और इसका सेंटर लेटेड बी ओ डैश ठीक है जी ये लो और ये लो और फिर ये भी लो और फिर ये भी लो समझ गए अब इसको क्या प्रूव करना बिल्कुल ईजी बिल्कुल सिंपल है पहले वाले की तरह कैसे ध्यान देना बेटा अगर इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर दें आपस में ठीक है ध्यान देना कि ये ओ ए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी पे क्यों क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं सिमिलरली ए बी नाइन्टी हो जाएगा क्यों रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं ठीक है दिस इज थ्योरम टेन पॉइंट वन तो टेन पॉइंट वन थियोरम के अकॉर्डिंग ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ डैश बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ओ बी इतना तो क्लियर है ठीक है इसकी वजह से क्या हो गया ए बी और ओ ओ डैश पैरलर हो गए ए बी इज़ पैरलर टू ओ ओ डैश सिमिलरली सिमिलरली ऑन दी सिमिलर बेसिस सिमिलरली ये ओ ओ डैश और सी सी डी भी तो पैरलर हो जाएंगे आपस में ओ ओ डैश इज़ पैरलर टू सी डी ऑल्सो ठीक है देयर फोर ए बी और सी डी आपस में पैरलर हो गए ठीक है यूक्लिड का भी पोस्टुलेट यूज़ करते हैं ठीक है अब ए बी और सी डी आपस में पैरलर हो गए अब ध्यान देना ए बी और सी डी आपस में पैरलर हो गए और उनके एंगल भी नाइन्टी डिग्री हो गए देअर फोर ए बी सी डी इज़ आ रिक्टेंगल ना ए बी सी डी बच्चे क्या हो गया एक रिक्टेंगल बन गई अब रिक्टेंगल बन गई तो रिक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं यानी ए बी और सी डी आपस में सेम होगा ए सी और बी डी लेकिन क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी तो देर फोर ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रिक्टेंगल आर इक्वल बस बात खत्म रिक्टेंगल आर इक्वल चलो जी क्वेश्चन इज प्रूव्ड ठीक है नाउ मूविंग टूवर्ड्स द्वेश्चन सेवंथ से इसकी इन फिगर नाइन पॉइंट वन फोर दिस इज द फिगर नाइन पॉइंट वन फोर गिवन कॉमन टेंजेंट ए बी एंड सी डी टू दू सर्कल्स इंटरसेक्ट है ठीक कॉमन टेंजेंट्स है ए बी और सी डी दोनों पे टेंजेंट है ना ये ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये ए है ये डी है ये बी ये सी एंड दे आर इंटरसेकटिंग एट पॉइंट ई ठीक है मैं डाइग्राम अच्छे से थोड़ी हाईलाइट कर देता हूँ येलो ठीक है इसी की हमें जरूरत है सर्कल नहीं हाईलाइट करूँगा अच्छा तो तब भी हमें यही प्रूव करना है कि ये ए बी और सी डी आपस में सेम है ये तो उससे भी ईजी है ठीक है अब क्योंकि ई एक्सटर्नल पॉइंट है बड़े सर्कल की बात करें और ए ई e और सी ई e उस पर टेंजेंट है तो आपस में सेम होंगे थ्योरम टेन पॉइंट टू ठीक है तो हमने क्या करना बेटा? Seven, है बेटा क्वेश्चन नंबर सेवन ठीक है वेट तो सेवन्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनने वाला बेटा कि थ्योरम टेन पॉइंट टू थ्योरम टेन पॉइंट टू क्या होती है कि टेंजेंस ड्रान फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल सो अगर हम बिगर सर्कल की बात करें अगर हम बिगर सर्कल की बात करें तो बिगर सर्कल में क्या हो जाएगा बेटा बिगर सर्कल में ए ई एंड सी ई दे विल बी इक्वल ठीक है बिगर सर्कल में ए ई एंड सी ई ये आपस में सेम हो जाएंगे अगर हम स्मॉलर सर्कल की बात करेंगे तो स्मॉलर सर्कल में भी थ्यूरम टेन पॉइंट टू अप्लाई हो जाएगी बार बार कह रहा हूँ थ्यूरम की स्टेटमेंट लिखनी है तो डी ई -E और बी ई -E ये भी आपस में सेम हो जाएंगे ठीक है तो डी ई इक्वल टू बी ई ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे अब हमने क्या करना है हमने तो पूरा ए बी और सी डी इक्वल करना है ना तो यानी कि दोनों को ऐड कर दो ए -E और बी ई -E को ऐड कर दोगे ए बी पूरा बन जाएगा सी ई -E और डी ई -E को ऐड कर दोगे सी ई -E पूरा बन जाएगा बस इतनी सी बात है तो इनको ऐड कर देंगे ए ई -E प्लस डी ई लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा सी ई -E प्लस बी ई राइट राइट में ऐड होगा तो यानी कि वेट 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 ए ई बी ई आप ऐसे करो इसको ऐसे लिख दो ए ई e, प्लस बी ई e, किसके इक्वल हो जाएगा सी ई e, प्लस डी ई e. मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें ए ई e और बी ई e को ऐड करना है ठीक है तो ये बन जाएगा ए बी कम्प्लीट और ये बन जाएगा सी डी कम्प्लीट और इसी को तो हमने प्रूफ करना था ठीक है बेटा आप इनको इंटरचेंज करके लिख लेना क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि लेफ़्ट लेफ्ट में ऐड होता है राइट right राइट right में ऐड होता है अब ये डी ई -E और बी ई सेम है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बी ई इक्वल टू डी ई फॉर आवर कन्वीनियंस तो अभी ए ई प्लस बी ई पूरा ए बी बन गया ना तो अभी सी ई प्लस डी ई पूरा सी डी बन गया फॉर आवर कन्वीनियंस ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट अ कोड पी क्यू ऑफ आ सर्कल इज पैरलर टू देंजेंट ड्रोन एट आ पॉइंट आर ऑफ द सर्कल ओके तो अकॉर्डिंग टू दिस डाइग्राम विल बी कि वी हैव आ सर्कल आर सर्कल आर नी हमारे पास एक सर्कल है ठीक है एक पॉइंट है आर उसके ऊपर जो टेंजेंट है इस पॉइंट आर के ऊपर टेंजेंट है लेट इट बी ए बी ठीक है इसके पैरलर हमारे पास एक कोड है पी क्यू दिस इज द क्वेश्चन ऑफ आर ठीक है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कोड पी क्यू इज़ पैरल टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट आर प्रूव दैट आर बाईसेक्ट द आर्क पी आर क्यू प्रूव क्या करना है जो आर है वो आर्क पी आर क्यू को बाइसेकट कर रहा है मतलब ये जो आर है वो आर्क पी आर क्यू को बाई सेक्ट कर रहा है इसके लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ऐसे करके ठीक है हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो आर्क है पी से लेके कर आर तक ठीक है और ये जो आर्क है आर से लेके कर क्यू तक ये दोनों सेम है इनको बाइसेकट कर रहा है पी ये आर्क और ये लाइन सेम सेम होते हैं तकरीबन ठीक है अब देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको लेट इट बी एंगल नंबर वन लेट इट बी एंगल नंबर टू लेट इट भी एंगल नंबर थ्री अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी बेटा हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सेकेंड एक्सरसाइज में बार 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 बहुत बार यूज़ किए एंगल इन दी, अल्टरनेट सेगमेंट थीरो ठीक है एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल ये एंगल के होते हैं इक्वल ठीक है तो वन और थ्री अल्टरनेट सेगमेंट में है देअर फोर दिस थिंगल एंड वन टू के भी इक्वल है ये सारे अल्टरनेट सेगमेंट में वन टू के साथ भी और वन थ्री के साथ भी ठीक है वैसे तो वन थ्री के साथ लिख लो वन टू के साथ ऐसे हो जाएगा अल्टरनेट एंगल आप ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि ये देखो पैरलर तो हमें गिवन है ना ये दोनों चीज़ें पैर तो हमें गिवन है तो ये एक जेड बन गई ना तो वन और टू तो अल्टरनेट से भी आ जाएंगे ठीक है अब ये दोनों आपस में सेम है यानी कि एंगल टू और एंगल थ्री सेम हो जाएंगे अब एंगल टू के अपोजिट कौन सी साइड है आर क्यू आर क्यू और एंगल थ्री के अपोजिट कौन सी साइड है पी आर है ना पी आर यानी कि आर क्यू और पी आर सेम है तो देर फोर आरक आर क्यू इक्वल टू आर्क पी आर एंड हैंस दी रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहे आप ऐसे लिख दो रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहे तो आप क्वेश्चन में से एज इट इज लाइन को कॉपी पेस्ट कर सकते हो ठीक है दिस वॉज द इजी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट नाउ मूव्स टू क्वेश्चन नंबर नाइन प्रूव दैट द देंस ड्रोन एट द एंड ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल ठीक है हमारे पास सर्कल की एक कोड है उसके दोनों एंड्स पे हमने टेंज ड्रोन कर दिए मेक इक्वल एंगल विद द कोड वो कोड के साथ जो भी एंगल बना रहे हैं ना वो आपस में सेम है देखना अकॉर्डिंग टू डायग्राम वो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नाइन से इसकी हमारे पास एक सर्कल है वी हैव अ सर्कल ठीक है लेट वी हैव अ कोड देर कुछ भी नाम दे दो ए बी है ना इसके एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रो किया गया एक ये टेंजेंट ड्रो कर दिया एक ये टेंजेंट ड्रो कर दिया ठीक है तो ये जो एंगल बनेगा एंगल टू और एंगल वन वो इक्वल होगा क्वेश्चन के कहने का मीनिंग ये है कि हमारे पास सर्कल की एक कोड है हमने उसके एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रो कर दिए दोनों एंड पॉइंट पे तो वो जो कोड के साथ ये टेंजेंट और कोड जो एंगल बना रहा है ये टेंजेंट और कोड जो एंगल बना रहा है ये आपस में इक्वल है क्वेश्चन ये है ठीक है तो इसके लिए छोटा सा काम क्या करेंगे हम इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे ठीक है तो ये क्या बन जाएगा बेटा एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट वाली बात बन गई ना लेट इट बी एंगल थ्री एंगल वन इक्वल टू एंगल थ्री और एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री एंगल्स इन दी अल्टरनेट सेगमेंट ऑल्टरनेट सेगमेंट ठीक है ये सेम है अब देयर फोर एंगल वन और एंगल टू सेम हो जाएंगे यही तो हमें प्रूव करना था क्वेश्चन फिनिश्ड हूँ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन